दिस इज कार्तिक भारद्वाज और हम लोग कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आज हम तीसरे लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। अभी तक अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं किए तो उसमें देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम मैंने कराया है, उसको मैंने व्हाइट बोर्ड से कराया था, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम कारण की वजह से अब मैं इसको लैपटॉप पे स्विच कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आज आपको विजिबिलिटी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा की। तो इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो जॉर्ज बूलियन ने की थी 1954 में की थी, और उन्होंने स्विचेस के साथ स्टार्टिंग की थी इसके। तो जैसे स्विचेस होता है ना, ऑन ऑफ, है ना, ठीक इसी तरह बूलियन अलजेब्रा दो लॉजिक लेवल पे काम करती है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज पे काम करती है। इसे आप जीरो या वन कह लो, है ना, दिस इज ऑन या ऑफ। ऑन को आप यहाँ वन बोल सकते हैं और ऑफ के लिए आप इसको जीरो बोल सकते हैं, है ना। तो और या ट्रू या फॉल्स बोल दो, हाई या लो लो, बेसिकली मतलब दो लॉजिक्स पे काम करता है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह दो लॉजिक्स पे काम करता है। तो जो लॉजिक ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा के अंदर बेसिक है वो सबसे पहला है नॉट। नॉट का मतलब जो भी आपने भेजा है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मान लो आपने जीरो भेजा है तो वन, वन भेजा है तो जीरो। तो दैट दिस इज, मैंने एक्स वेरिएबल मान लिया है, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं सर्किट को सिस्टम के अंदर, तो उसमें आप जीरो देंगे तो इसका आउटपुट वन आएगा, वन देंगे तो जीरो आएगा। एंड ऑपरेशन बेसिकली इसे डॉट से डिनोट करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा इस बूलियन अलजेब्रा का अपनी मैथमेटिक्स वाली लीनियर अलजेब्रा से, मतलब मैथमेटिक्स वाली अलजेब्रा है उससे कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली अलग है। इसके बहुत सारे केसेस भी मैं बताऊंगा जो अपनी नॉर्मल अलजेब्रा में फॉलो अप नहीं होते हैं। तो ये डॉट होता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन का जल्दी जनरली रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दिखाता है, एंड इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, एंड क्या है कि ये लॉजिक लो है, मतलब लॉजिक लो मतलब जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉजिक हाई वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जीरो और जीरो, जब आउटपुट जीरो और जीरो, मतलब लॉजिक जीरो रहेगा और जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो रहेगा। लॉजिक एक इनपुट आपका जीरो रहेगा, एक इनपुट आपका वन रहेगा तो आउटपुट आपका जीरो रहेगा। आपका एक इनपुट लॉजिक हाई रहेगा यानी वन रहेगा, दूसरा जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा। इस केस में अगर आपके पास दोनों इनपुट अगर हाई है तो आपका आउटपुट हाई जब ही रहेगा। तीसरा ऑपरेशन हमारा और ऑपरेशन आता है, और ऑपरेशंस के अंदर ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी एडिशन के लिए यूज होता है। इसकी सिंपली क्या है कि आपका अगर एक भी लॉजिक हाई है तो आउटपुट आपका हाई रहेगा, है ना। तो जीरो प्लस जीरो दोनों लो लॉजिक है तो इसका आउटपुट जीरो है, बाकी के देखिएगा सब में एक ना एक लॉजिक हाई, एक ना एक लॉजिक हाई रहा है, तो इस वजह से इसका आउटपुट वन रहा है। तो ये बेसिक तीन ऑपरेशंस होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, बाकी के सारे अलग अलग ऑपरेशंस क्रिएट हुए हैं, इन्हीं से मिलके बने हैं, नेंड, नॉर, एक्सोर, ये सब इसी के परफॉर्मेंस में हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बूलियन अलजेब्रा की, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी ये सारी चीजें, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं एक बार को लिख दिया है ताकि आप रिवाइज कर लें, इस पर टाइम कंज्यूम मत करना, खराब मत करना। सबसे पहले आप अगर कोई भी लॉजिक जीरो लो लेवल किसी भी इनपुट के अंदर डालते हैं तो सेम रहेगा, चाहे वो लॉजिक लो हो या वन हो, जीरो एज इट इज रखता है रिजल्ट को, वन से मल्टीप्लाई करने पर यानी एंडिंग करने पर वही आपको इनपुट मिलता है, और कंप्लीमेंट ऐड करने का आउटपुट वन होता है, मल्टीप्लाई करने पर एंडिंग करने पर जीरो होता है। तो बेसिकली आप ये देख लीजिएगा, ये आपने ऑलरेडी किए होंगे सारे। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इनके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा। हाँ, अगर मैं किसी का कंप्लीमेंट ले रहा हूँ, किसी भी एक वेरिएबल उसका कंप्लीमेंट लिया, उसको अगेन कंप्लीमेंट ले रहा हूँ, तो वो सेम लॉजिक को बताता है। दोस्त इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखने के लिए है, ये कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, याद रखना ये एकमात्र ऐसा लॉ है जो सारे के सारे लॉजिक गेट फॉलो करते हैं, है ना, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉ फॉलो करें ना करें, लेकिन ये जो है कम्यूटेटिव, ऑलमोस्ट सारे के सारे गेट्स इसको फॉलो करते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक है डीमॉर्गन्स, डीमॉर्गन्स थ्योरम को इसमें ध्यान रखना। डीमॉर्गन्स क्या है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। देखो कंप्लीमेंट को हम क्या है, यहाँ से बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली इसके ऊपर एक इस तरह का बार टाइप में भी खींच के इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो या फिर डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये डीमॉर्गन्स है, डीमॉर्गन्स को याद करने का वैसे एक तरीका, एक ट्वेल्थ में सीखा था मैंने कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब ये जो है इसके ऊपर पूरे के ऊपर कंप्लीमेंट है, तो आपको क्या करना है, ब्रेक द लाइन, लाइन को तोड़ना है, साइन चेंज कर देना है। अभी यहां भी जो है ये इसको लाइन को तोड़ोगे तो ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहां पर एंडिंग हो गई है आपकी। तो बेसिकली एंडिंग ओरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर बार चढ़ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे एक्स
एक्स डॉट वाई का कम्प्लीमेंट है, इस पूरे का कम्प्लीमेंट है ये, है ना। जनरली मैंने इसको इस तरह के डॉट से रिप्रेजेंट करा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। तो जब इसको हम करेंगे ब्रेक द लाइन, इसको लाइन को मैं तोड़ूंगा, तो ये एक्स के ऊपर कम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, और जो ये एंडिंग का साइन है वो ओरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वाई के ऊपर कम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा, ये एक्स प्लस वाई, ये जो है आपका एब्जॉर्प्शन थ्योरम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी नॉर्मल एलजेब्रा में फॉलो नहीं होती है, नीचे के जो लॉज है वो नॉर्मल एलजेब्रा में देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको ये चीजें पता होंगी, इतने कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पता है तो एक बार आप देख लीजिएगा इनको। चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, मतलब कैसे प्रेफरेंस देते हैं जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किस तरह करते हैं। दोस्तों ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट शायद हम लोग करते तो इसी तरह है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम इस तरह कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें x बार प्लस y जोड़ना है तो पहले हम बार करेंगे, फिर उसके बाद आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्रेसिडेंस ऑर्डर है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, वो आपकी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, मॉरिस मोनरो में दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। अदरवाइज मैंने लिख दिया है, ज्यादा परेशानी मत करना, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाना चीजों को, सिंपली मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया इस चीज को। प्रेसिडेंस ऑर्डर आपका ये रहेगा दोस्त। अब सवाल ये है कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हमें मिनिमाइज करने की जरूरत क्या पड़ती है। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आप देखोगे आगे जाके हम उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कभी की मैप यूज करेंगे, कभी ये डिफरेंट पीछे जो आइडेंटिटीज बताई हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पर्पस क्या है हमारा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो अगर हम जो मिनिमाइज करते हैं, देखो हमें तो आउटपुट वही चाहिए ना, हमें फाइनली वही चीज चाहिए, वो किसी भी तरीके से निकल के आए। तो हम किसी क्या करते हैं, उसमें से जो रिडंडेंट ग्रुप होते हैं या रिडंडेंट लिटरल्स होते हैं उन्हें हम एलिमिनेट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ गेट रिड्यूस हो जाते हैं, आउटपुट मुझे फाइनली वही मिलेगा, है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मेरी जीरो हो जाती है, स्पीड मेरी जो है इससे इंक्रीज हो जाती है, पावर घट जाती है और कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है ना। तो ये फायदा है। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत एक पैट क्वेश्चन है, बीच में बहुत फेमस रहा था, ईएससी में लगभग आता था। तो ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, तो क्या है कि इसको इसे बोला कि कितने आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए आपको। तो देखो आप इसमें से जैसे आप ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इसमें से ए को कॉमन लीजिए तो आपका आ जाएगा यहां से ए कॉमन लेने के बाद बी प्लस बी बार सी और उसके बाद बी बार सी बार, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो लगभग आपके ए ही आंसर आ जाएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा। तो आपको नैंड गेट की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर जीरो हो जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सीधा ए से आउटपुट दूंगा तो भी मेरा वही फर्क पड़ेगा, और मैं इस तरह इंप्लीमेंट करूंगा गेट से उसको वो भी फंक्शन वही वैल्यू देगा। तो ये जरूरत पड़ती है हमें उसके मिनिमाइज करने की। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा दोस्त, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक थ्योरम्स, बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, दोस्त दिस इज पॉज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, अभी आगे इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये आप तो इसको क्या होगा जब इसको सॉल्व शॉर्ट सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस ए ये ए हो जाएगा, है ना, और प्लस ए सी इधर बी ए, है ना, और बी सी, तो आप बीच में देखोगे ये वाला जो है एलिमिनेट टर्म्स हो जाएंगी। तो ये फाइनली आपको निकल के आएगा ए प्लस बी सी निकल के आया, दिस इज सो फॉर्म। और ठीक जनरली क्या है, जब ईएससी के क्वेश्चन पेपर देखोगे आप प्रीवियसली उठोगे तो आपको पूछोगे कई कई बार तो डायरेक्ट पूछे गए, है ना। तो इसको देख लीजिएगा ए प्लस बी सी, इसको इस तरह खोला गया है। अब दोस्त अगली है ये कॉन्सियस थ्योरम करके है, इसको आप देख लीजिएगा, मॉरिस मोनरो का एग्जांपल 1 पेज नंबर 45 पे है, अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए। ये क्या है, अगर आपके पास तीन वेरिएबल है ना, और दोनों एक बार में दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जैसे ए बी, है ना, तीन वेरिएबल है और किन्हीं एक का कंप्लीमेंट यूज हो रहा है, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, तो यहां पर देखिए ये जो है तीन वेरिएबल हो गए मेरे पास, एक बार में दो वेरिएबल हो रहे हैं ए बी ए बार सी और बी सी, तो जो ये कंप्लीमेंट वाला है जो आउटपुट होगा ये दोनों का आउटपुट होगा, है ना। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मॉरिस मोनरो एग्जांपल 1 पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहे कॉन्सियस थ्योरम को। लेकिन ये क्या है, बीच में ना 3-4 साल 5 साल मैंने तो देखा है, कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। तो सिंपल ये थ्योरम बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लिया है, दिस इज इन सो फॉर्म, और ये क्या है पोस्ट फॉर्म में है, दो वेरिएबल है आपको, है ना, और इसमें क्या है एक्स बार, यहाँ इसके ऊपर एक्स बार लगा हुआ है, तो जो है जो जिसके साथ बार है वो वाली दो टर्म रह जाएंगी, x प्लस वाई और x प्लस जेड, आपकी ये टर्म्स रह जाएंगी आउट आंसर में।
तो ये देख लीजिएगा कौन सी स्थान में बहुत आती है। अभी हाल फिलहाल में इसका ट्रेंड खत्म हो गया है तो, लेकिन बीच में ना बहुत बहुत रेगुलर पूछी थी तो, और ये आप जानती हो ये अगर थोड़ा रिपीटेटिव टाइप एग्जाम होता है तो उसमें रहता है। हाँ दोस्त यार गेट में ये चीज़ सारी चीज़ें बच्चों वाली चीज़ एक्सपेक्ट मत करना, गेट में भी मैं बताऊंगा उसका लेवल। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूँ, ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि मेरा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो है उसको एंडिंग को मुझे कन्वर्ट करना है ऑरिंग में, यानी डॉट को करना है प्लस में कन्वर्ट करना है, और क्या करना है जो वेरिएबल है उसके कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अगर एक्स है तो एक्स बार कर देना है, एक्स बार है तो एक्स कर देना है, ठीक है ना। जीरो है तो वन कर देना, वन है तो जीरो कर देना है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो दिस इज मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट किया है। इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट को ऊपर से बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी मैंने पहले ही बताया कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज ऊपर भी कर सकते हो, इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हो, और डैश भी लगा देते हैं साइड में, तो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। वेल तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो देखो मैंने क्या किया, एंडिंग को ऑरिंग में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल्स को जो है मैंने क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इन्वर्स कर दिया वेरिएबल्स को मैंने। तो दिस इज द आंसर ऑफ माय कॉम्प्लीमेंट, इस फंक्शन का ये आंसर आएगा, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आता है ड्यूएल का। देखो ड्यूएल का मतलब होता है कि मतलब ड्यूएल समझते हो ना, जैसे किसी भी चीज का एंड का और करना, किसी भी चीज का उल्टा। जैसे ड्यूएल का बेसिकली काम होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्जन करने का काम होता है। इसमें बस सारी चीज कंप्लीमेंट वाली है, बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें एंडिंग ऑर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, हाई लॉजिक लो लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 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 दोस्त ध्यान रखिएगा वेरिएबल एज इट इज रहते हैं। मतलब जब मैंने इसमें ऑरिंग की थी, अगर मुझे इसी का ड्यूएल करना होता तो क्या होता, यहां पर एक्स यहां बार नहीं लगता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहता है, है ना, बाकी सारी चीजें सेम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कंप्लीमेंट किया वेरिएबल्स का वो इसमें ड्वेल में नहीं मिलेगा दोस्त, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक मेरा फंक्शन है जैसे ए प्लस बी है, मुझे इसको ड्वेल करना है तो क्या होगा, ये मेरे वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, इनके ऊपर बार नहीं लगेगा, कंप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, हम ड्वेल ले रहे हैं। ड्वेल में क्या होता है सिर्फ एंडिंग ऑरिंग में कन्वर्ट होती है, तो जो इसका ड्वेल है ए भी रहेगा। और दोस्त उसके बाद जो है एक एक फंक्शन लिया है मैंने ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस ए बी बार सी। दोस्त अब क्या करना है हमें, बेसिकली इसका ड्वेल लेना है, तो आप ड्वेल ले लेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे ड्वेल में, है ना, ड्वेल ले लेंगे इसको एंडिंग में ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ऊपर को कुछ नहीं करना है, यहां पर जो साइन है बस वो चेंज कर देने, एंडिंग में कर देना है, ये और था ये एंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर, है ना, और जो इनके बीच में एंडिंग ये जो डॉट डॉट लगे होंगे, है ना, बाय डिफॉल्ट लिखे नहीं लिखे जाते हैं, तो ये उसमें ऑरिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको सम ऑफ मिन टर्म्स बोलते हैं, मतलब जब जो इस तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है ना इस चीज को, तो इसे बोलते हैं मिन टर्म्स, जब एंडिंग करके हम लिखते हैं, जब ऑरिंग करके लिखते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज मैक्स टर्म। तो अभी हम मैक्सटर्म और मिन टर्म्स यानी सुपर पोज फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए बार बी बार सी बार यानी जीरो जीरो जीरो, ये जीरो का बाइनरी फॉर्म है, और ए बी बार सी बार यानी ए इजकल टू वन बी बार इजकल टू जीरो और सी बार इजकल टू जीरो, सी बार नहीं है पर वन है, तो दिस इज वन जीरो वन, है ना, तो दिस इज फाइव, तो ये है। अब क्या इसका ड्वेल लोगे तो सीधा इसे ड्वेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब मैं इसे मैक्स टर्म में कन्वर्ट करूंगा इसको यानी पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये सेवन बनेगा और ये बनेगा मेरा टू। रिमेंबर दैट, एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला दोस्त, इसे ध्यान से ध्यान से ध्यान से देना यहां पर दोस्त 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 यहां पर ध्यान देना, ड्वेल कितनी जल्दी आप उंगलियों पर निकालना शुरू कर देंगे। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कितने वेरिएबल का खेल है, यहां पर तीन वेरिएबल है ना मेरे, तो करना क्या है बेसिकली टू रेस्ट टू पावर थ्री थ्री माइनस वन, तो कितना हो गया सेवन, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी मतलब सेवन यहां पर है, सेवन को इससे घटा दीजिएगा मैक्स टर्म निकल आएगी आपकी, समझे आप मेरी बात। देखो यहां पर ध्यान देना इस वाली चीज को कि टू रेस टू की पावर एन, ठीक है ना, यानी यहां पर वेरिएबल आपके तीन है, टू रेस टू की पावर एन थ्री हो गया तो एट हो गया, एट माइनस वन सेवन, तो यहां पर क्या है ऐसे ही अगर चार वेरिएबल होते तो कितना फिफ्टीन हो जाता, टू रेस टू पावर फोर सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन हो जाता, तो फिफ्टीन माइनस जीरो यहां पर इसकी, तो ये क्या है इसका ड्वेल निकल आता है सीधा सीधा सीधा, इसका जो है ड्वेल निकल आता है, ठीक है ना, मैक्स टर्म की टर्म कंडीशन में। दोस्त अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये तो ड्वेल निकल के आया है मैक्स टर्म की फॉर्म में, और हमें क्या मिन टर्म्स की फॉर्म में चाहिए होता है, तो देखो जीरो, अब मैं क्या है एक आपको बता दूं कि अगर जो मिन टर्म्स होती हैं, जो इसके पॉसिबल मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होती हैं, जो जीरो होती हैं वो जो होती हैं वो मैक्स टर्म होती हैं, जिनका आउटपुट जीरो रहता है वो मैक्स टर्म होती हैं, और जिनका आउटपुट वन रहता है वो मिन टर्म्स होती हैं, तो मतलब
इसमें क्या है, टोटल पॉसिबल मिनटर्म्स कितनी होंगी, तीन वेरिएबल के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी 8 मिनटर्म्स होंगी, है ना। तो 8 में से 2 तो ये मैक्सटर्म है, तो बाकी की सारी क्या होंगी, मिनटर्म्स होंगी, या तो मिनटर्म्स होती है मैक्सटर्म होती है। तो 7 और 2 तो इसमें रह गए, तो बचे कितने, ड्यूल के मिनटर्म्स ये हैं। ध्यान रखो दोस्त, ये ड्यूल की मैक्सटर्म्स है, है ना, जो हमने सीधे निकाले, और ये मिनटर्म्स है। तो यहां पर नोटिस करना, जो हमने ये एफ की मिनटर्म्स की फॉर्म में लिखा था ना इसको, तो ये मिनटर्म्स की फॉर्म में जो है, यहां पर जो ये ड्यूल है, ये दोनों डिफरेंट है, है ना, मतलब अलग अलग आ रहे हैं इसके आंसर। ये 05 है और इसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो दोस्त ये यहां पर इस केस में क्या है, जो फंक्शन है वो ड्यूल के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन 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 प्लीज 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 कंसंट्रेट हियर, लेकिन यहां पर ध्यान दो, अगर किसी केस में मेरा एफ फंक्शन मेरा ड्यूल के बराबर आ जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं सेल्फ ड्यूल, समझा, इसे सेल्फ ड्यूल बोलते हैं। दोस्तों अब मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान रखना है यहां पे कंसंट्रेट प्लीज प्लीज दोस्त प्लीज। आपका एक फंक्शन है एबीसी, तीन वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी मिनटर्म है 3, 5, 6, 7, और आपको क्या है इसका ड्यूल निकालना है, मिनटर्म में इसकी मैक्सिमम टर्म क्या है, तीन वेरिएबल का, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4, देखो 4 इसके मैक्सिमम में है, 7 में से 5, 2 देखो इसके उसमें है, और उसके बाद जो है 7 में से 6, 1, और 7 में से 7, 0, देखो ये इसकी मैंने सीधा 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 बिना मैंने मेहनत किए हुए निकाल दिया। अगर आप इसको करने के लिए बैठते तो आप क्या करते, सीधा सीधा इसकी जो है बाइनरी फॉर्म निकालते, बाइनरी फॉर्म से उसके लिटरल्स को लिखते, उसके उन मिनटर्म्स को फिर माइनस करके इस चीज को निकालते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। हमने कैलकुलेट सिर्फ फिंगर टिप्स पे किए हैं, समझ में आया ना आपको, सिर्फ उंगलियों पे चुटकियों पे बजा के हमने इसको शॉर्ट आउट करा डाला है। और फिर उसके बाद देखो ध्यान से, जब मैं ड्यूल की मिनटर्म्स निकाल रहा हूं, मेरी एज इट इज वही मिनटर्म्स आ गई है, मतलब ये जो है ड्यूल जो निकाला है इसकी मैक्सटर्म ये है, तो 7 में से जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, उनमें से 0, 1, 2, 4 तो उसकी हो गए मैक्सटर्म होगी, तो मिनटर्म्स क्या बची, 3, 5, 6, 7 होगी, दोनों सेम आ रही है दोस्त। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों एकदम सेम है, और इसी से किसी चीज को क्या बोलते हैं, सेल्फ ड्यूल बोलते हैं। अगर फंक्शन का आपने ड्यूल लिया है और वो सेम फंक्शन बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ड्यूल। बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, स्पेशली गेट में इस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट आजकल, पहले मतलब पहले पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन आजकल बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूल्स, जो सेल्फ ड्यूल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। दोस्तों आपको पता है ये क्यों आ गया सीधा सीधा इसका आंसर, ये ड्यूल इसका क्यों बन गया, देखो दोस्त मेरे पास ना यहां पर जो है मैक्सिमम पॉसिबल पेयर बनाओ 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, इनमें से कोई भी एक उठा लेना टर्म, कोई भी एक टर्म उठा लेना, आप 0 उठा लेना, इसमें उसे 6 उठा लो, चलो इसमें से 2 उठा लो, इसमें 3 उठा लो, मतलब कोई भी इनमें से एक टर्म उठाओ और फिर इसको ड्यूल लोगे तो सेल्फ ड्यूल बन जाएगा, समझे आप मेरी बात। दरअसल क्या है, ये मेरे पेयरिंग है 7 की, तो ये क्या है, आप इनमें से कोई भी एक उठाइए, इनमें से कोई भी एक उठाइए, इसमें से कोई भी एक उठाइए, इस तरह करोगे तो क्या है, आपके जो फंक्शंस बनेंगे वो सेल्फ ड्यूल फंक्शंस बनेंगे। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, है ना। तो इस सीधा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है, बाइनरी थ्योरम आगे इस्तेमाल हो रही है, 2C1, तो दो ऑप्शन अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन में से एक मुझे उठाना है, मल्टीप्लाई बाई फिर ऐसे 4 टाइम्स है 2C1, और इसको 2^4 हो जाएगा, और इसको मैंने इस तरह दिखाया है कि 2^4 को लिख सकता हूँ 2^2, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो मैं इसको 2 को लिख सकता हूँ, मतलब 3-1 यानी 2^n-1, तो मैं सेल्फ ड्यूल बना सकता हूँ अगर मुझे n वेरिएबल मिले हैं तो 2^2n-1। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम आप फंक्शंस बना सकते हो n वेरिएबल से, वो बना सकते हो 2^2n, समझ रहे हो, और जो सेल्फ ड्यूल होते हैं लगभग आधे होते हैं उसके, ठीक है ना। तो 2^2n-1, ठीक है, ये है, आप देख लीजिएगा इसको, है ना। तो ड्यूल में क्या है, एंड मेरा और में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मेरा नॉर में कन्वर्ट हो, एक्सर उधर, लेकिन मेरे वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, रिमाइंड दैट, यानी जो मेरा अगर एक्स बार है तो वो एक्स बार ही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो मेरे जो ये यहां पर मेरे वो है वेरिएबल, वो एज इट इज रहेंगे, बफर मेरा एज इट इज रहेगा, है ना दोस्त, बफर मतलब जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा, अगर एक्स बार है तो एक्स बार रहेगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ते हैं सोप फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सोप फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका आउटपुट 1 जब रहता है, जब सारे मतलब सारे लिटरल्स 1 हो, दिस इज आउटपुट 1,
आउटपुट वन रहता है, तब सब फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे एंड ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा एक बाइनरी नंबर है 10, 10, 10 मतलब डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 1010, तो क्या होगा जब आप इसको उसमें लिखोगे तो उसमें सब फॉर्म में लिखोगे तो इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है ना। और जो जीरो वाली टर्म है उसको क्या है आपको वन करना है, मतलब उसका कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है ना। तो बी बार और यहाँ पे सी एज इट इज, यहाँ डी बार। तो कहने का मतलब मैंने अभी बताया आपको सोप क्या है, आउटपुट आपको वन जब देगा जब सारे लिटरल्स वन होंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली मैंने एक शॉर्टकट याद किया हुआ था बचपन से, सोप, सोप नंबर वन, मतलब जब आपका आउटपुट वन होगा तब आप सोप फॉर्म यूज करेंगे। इसमें नेंड गेट का इस्तेमाल होता है, यानी इनके बीच में, सबके बीच में क्या है, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट मतलब नेंड ऑपरेशन हो रहा है इनके बीच में। तो और एक क्वेश्चन ये है इसमें, ईएस में कई बार पूछा गया है कि अगर मुझे सोप फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो मैं कौन से मिनिमम नंबर किस टाइप के मिनिमम नंबर ऑफ गेट से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो नेंड, याद रखना नेंड इंप्लीमेंट करता है सोप को, क्योंकि यूनिवर्सल गेट है। हम जो है नेंड और नॉर, अभी गेट्स जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, नेंड और नॉर ये दो यूनिवर्सल गेट्स हैं और इन सब कोई भी गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वेल दोस्त, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास तीन वेरिएबल है, मतलब n की वैल्यू तीन है, तो आप मैक्सिमम मिनटर्म्स कितने बना सकते हैं, 2^n, मतलब मान लो तीन वेरिएबल है, एबीसी तीन वेरिएबल हो गए तो मैक्सिमम कितना है उसको आपने बनाया होगा ना। तो 000 पहली पॉसिबिलिटी, 001 दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी 010, ऐसे करके आपके अंदर 0 से लेके 8 तक लिख के ट्राई करो और 1 से 8 तक के वो बनाओ, बाइनरी फॉर्म लिखो। तीन वेरिएबल आएंगे उसमें, तीन बिट यूज हो रही होंगी। तो क्या होगा आप लोगों का जो मिनिमम मिनटर्म्स आपकी मैक्सिमम पॉसिबल होंगी वो होंगी 2^n, मतलब 8 है ना, तीन है ना, 2^3 8, अगर 4 बिट यूज कर रहे हैं तो 2^16 दोस्त ये होता है ना, ठीक है। अब क्या है, अब हम एक फंक्शन लेके दिखाया है, एक फंक्शन है मेरा एबीसी, ए बार बी सार, ये एक मेरा फंक्शन है। तो सिंपली मैंने इसको मिनटर्म्स की फॉर्म में लिख दिया, दिस इज ए, ए यहां पर 1 लिखेंगे ना, तो ए है वेरिएबल सीधा है तो 1 लिखो, 1 लिखो, बी 1 है तो सी को 1 लिखो, यहां पर बार है तो यहां पर ये 0 है, दिस इज 0, ठीक है दोस्त, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो ठीक इसी तरह ना, ये देखो दिस इज द 7, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 3 एंड दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 6 एंड दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है वो ये वाला है दोस्त, है ना, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सोप की। तो एम, ये समेशन एम करके जो है, ये जो है ये रिप्रेजेंट कराता है आपकी मिनटर्म्स की, मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट कराता है ना। और ये जो जिसमें अभी देखना, किसी भी टर्म, ये जितने भी लिटरल्स है, इन चीजों क्या बोलते हैं, लिटरल्स है ना, तो सॉरी मिनटर्म्स बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं ना, मिनटर्म्स को लिटरल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो जितने भी लिटरल्स है इसमें से कोई भी वेरिएबल गायब नहीं है, लेकिन अगर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करते टाइम, क्योंकि मुझे क्या है कम से कम गेट लगाने, अभी जो मैंने पीछे फैक्टर्स बताए थे, पावर बचानी है, वो सब बचाने हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ सेविंग करनी है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हमें क्या है उसमें मिनिमाइज सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे ये देखो ये वाला गेट है, इसको मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा। इसको भी याद रखना दोस्त, ये कई उसमें एक्सप्रेशंस में यूज है, x प्लस वाई, जो जो अगर उस अगर सामने एक वेरिएबल है और उसका कम्प्लीमेंट प्लस कम्प्लीमेंट दूसरे के साथ लगा हुआ है तो कम्प्लीमेंट वाला गायब हो जाता है। यहाँ से x सीधा आएगा है ना, यहाँ से x सीधा आएगा और यहां से है ना, यहां से सीधा आपका y आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अब मिनिमल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्त। तो ये मेरा यहां तक का था, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्त एक बात ध्यान रखना, इसमें कैनोनिकल फॉर्म में ना कोई भी टर्म मिस नहीं होती है, कोई भी लिटरल मिस नहीं है यहाँ पर, है ना। देखो दिस इज नॉट अ सिंप्लीफाइड मिनिमल फॉर्म, अभी क्या होगा बहुत सारी जगह आपको जरूरत पड़ेगी कि ये लिटरल्स गायब रहते हैं बीच बीच में, और गेट में अक्सर आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, आपको पता लगाना होता है मिसिंग टर्म से, बोल देगा कि मैं आपसे सॉल्व करके दिखाओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को अभी अगली स्लाइड में, लेकिन फिलहाल मैं अभी ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये इसमें सारे तीन वेरिएबल हैं, तीनों के तीनों हर उसमें लिटरल में मौजूद है, तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्त, ये मैंने पहले आप लोगों को बता ही दिया है कि 2^ ये गायब हो गया दोस्त, ये इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2^2^n, अगर n वैल्यूएबल है तो उससे मैक्सिमम लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं हम इतने, ठीक है।
और नोट्स में आ रहा होगा पूरा, नीचे पीडीएफ लिखी हुई होगी, पीडीएफ में आ रहा होगा, दोस्त कंसंट्रेट हेयर 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 प्लीज 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 नाउ लुक एट हेयर्स वेरी सिंसियरली। दोस्त क्या है कि जो मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ ना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बताए जा रहे हैं, आपको जनरल वे में नहीं बताए जा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास एक फंक्शन ये है ए प्लस बी बार सी, इसको मॉरिस मोनोगा सॉल्व एग्जाम्पल है ये, इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, आप जाके देखना उसमें बड़ा लंबा होगा, लेकिन एग्जाम में हम इतना लंबा प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते हैं कि एक बार इसको मैं मिसिंग लिटरल है बी बार प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं इस तरह इसको सॉल्व करूं। ट्रिक देखो आप दोस्त कमाल देखना, यहां पर जो आपका ये लिटरल है इसको एज इट इज लिखो, दूसरे वाले को एज इट इज लिखो, याद रखना है सिक्वेंस का पूरा ध्यान रखना है, यहाँ ए बी सी के सिक्वेंस में है ना, तो यहाँ पे ए और बी की स्पेस छोड़ो सी का स्पेस छोड़ो, ठीक है ना, यहाँ पर ए गायब है तो इसका ए को स्पेस छोड़ो, बी बार ऐसे ही रहने दो सी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बार को तुम्हें पता है जीरो से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सी को वन से रिप्रेजेंट करना है, बार को जीरो से रिप्रेजेंट करना है और उसको बिना बार की टर्म को वन से रिप्रेजेंट करना है। दोस्त यहाँ देखो यहाँ ए वन है तो ए के ऊपर कोई बार नहीं है तो यहाँ पे वन वन यूज हो रहा है सब में, लेकिन दोस्त अब इन दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल वो बनाने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इस तरह चार पॉसिबल हो जाएंगे। अब इनके उल्टर्म्स बना लो, जल्दी से इनकी मिनटर्म्स निकाल लो, देखो इसमें एक हो गया दो नहीं है तीन नहीं है चार हो गया पांच हो गया छह हो गया सात हो गया, देखो देखो मेरा फंक्शन निकल आया, और इससे फंक्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फिर ये वाला फंक्शन, समझ रहे हो ना, हमें क्या है इस सिंपलेस्ट फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म पूरी वाली फॉर्म की कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, मतलब लंबे क्वेश्चंस में कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है दोस्त, यहां पे ट्रिक आती है, यहां पे आपका शॉर्टकट काम करेंगे, ये वो तरीका जो आपका टाइम बचाएगा एग्जाम के अंदर। दोस्त ये मेथड है, आप प्लीज प्लीज इस पर ध्यान रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरे इसलिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। दोस्त अगली टर्म हम पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में बात कर रहे हैं, पीओएस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये और ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, जब आउटपुट ये आउटपुट जीरो होने पर काम करता है, आउटपुट जीरो रखता है, ठीक है, तो जैसे 1010 है तो यहां पर क्या है, इसको मुझे आउटपुट जीरो रखना है तो वन को क्या करूंगा मैं जीरो करूंगा, तो ये बार कंप्लीमेंट, यहाँ ऑरिंग होती है प्लस होता है, ठीक है ना, तो प्लस यहाँ पे जीरो है तो बी को जीरो रहने दूंगा, यहाँ वन है तो सी को मैं सी बार कर दूंगा, है ना, और डी को मैं यहाँ पे जीरो है तो डी एज इट इज रहने दूंगा। याद रखना दोस्तों, अगर जब मैं मिन टर्म्स का कम्प्लीमेंट करता हूँ तब निकल के आता है मेरा मैक्स टर्म, बिल्कुल यही तो है वो, अभी मैंने जो आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, प्लीज इस वाले को देखो, इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप इसका कम्प्लीमेंट कर दो, इस वाले मिन टर्म्स का आप अगर कम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपका ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों इसमें भी 2^n मतलब तीन वेरिएबल है तो मैक्सिमम मिन टर्म्स इतनी पॉसिबल हो सकती हैं, इसको पाई एम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई जैसा सिंबल है इसको देख लीजिएगा, ये पाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा इसको इस तरह जाता है ना प्लस की फॉर्म में, ये आपको लिखना आता होगा, है ना, तो इस तरह इसको प्रोडक्ट ऑफ सम को लिखा जाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, दिस इज स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट दोस्तों यही है जिसने बूलियन अलजेब्रा का जन्म दिया, है ना दोस्त। तो दोस्त सबसे पहले अगर मेरा ये यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, यहां पर एक स्विचिंग लगी हुई है मेरी, तो अगर लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, पहले देखना लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस इज माय लोड, सिंपली एक बल्ब मान लो, ये मेरा यहाँ पे एक लोड के साथ कनेक्टेड है मेरा यहाँ पे, तो अगर ये सीरीज में लगा हुआ होता है तो वेरिएबल एज इट इज लिया जाता है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो नॉट की फॉर्मेशन करता है ना, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जैसे मान लो मैं स्विच ऑन करूंगा तो बल्ब जल जाएगा, है ना, मतलब वन मतलब ए मेरा अगर वन है तो ये क्या करेगा ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये मेरा ये जो है वन है तो ये मेरा ऑन हो जाएगा, मेरा जीरो है तो बंद हो जाएगा बल्ब, है ना, तो सिंपली ये बफर का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये नॉट का काम करेगा, जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं इसको ऑन करूंगा, ए को मैं वन करूंगा तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इसमें से पास होकर चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा ही नहीं करंट, ये बल्ब बंद हो जाएगा, तो जीरो भेजूंगा तो ये क्या आउटपुट, सॉरी वन भेजूंगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, मतलब जैसे मैंने इसको ऑन करूंगा यहां से सारा का सारा करंट ए के थ्रू इसके थ्रू चला जाएगा अंदर, ठीक है ना, वन ऑन करने पे ये सारा करंट इसके थ्रू चला जाएगा, है ना, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा करंट, इधर जाएगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ऑफ करूंगा तो सारा का सारा करंट इधर से होके जाएगा, तो मतलब जीरो करने पे मेरा ये जल जाएगा, ये क्या कर रहा है, सीधे नॉट ऑपरेशन कर रहा है। अगर लोड के पैरेलली कनेक्टेड है स्विच
तो वो नॉट का काम करता है, सीरीज में कनेक्टेड है तो वो बफर का काम करता है एज इट इज। अब क्या है दोस्त, यहाँ पर दो स्विचेज है, ये मेरे सीरीज में कनेक्टेड है, देखो ये मेरा लोड है यहाँ पे मेरे सीरीज में कनेक्टेड है, तो सिंपली एंड का काम करेंगे। सिंपल जला के देख लो, अगर ये भी ऑन होगा ये भी ऑन होगा तभी ऑन होगा, एंड का सब फॉर्मूला है ये, एंड लॉजिक है कि मतलब दोनों हाई होंगे तभी हाई होंगे, इनमें से एक ऑन होगा एक ऑफ होगा तो नहीं जलेगा। ये नॉट का है ना, एंड को कंप्लीमेंट हो जाएगा, नॉट लग जाएगा उसके ऊपर, ये दोनों सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो ए बी हो गए, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोड के पैरेलल में है तो क्या बार हो जाएगा, इनके नॉट गेट लग जाएगा दोस्त। ठीक इसी तरह है, ये दोनों सीरीज में थे तो क्या एंड ऑपरेशन हो रहा था, ये दोनों पैरेलल में थे और ऑपरेशन है, लोड के साथ सीरीज में है तो ये क्या हो रहा है सीधा है, मतलब इसके सीधा है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट बार नहीं है, लेकिन अगर यही पैरेलल में आ जाएंगे तो इसके फंक्शन के ऊपर मेरा बार आ जाएगा, ठीक है ना। और अगला टॉपिक है मेरा विनियन डायग्राम, हालांकि अब आते नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे मोटे एग्जाम्स लकली आप मिल जाए, किस्मत बहुत अच्छी हो तो मिल जाए, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं हम। अगला है विनियन डायग्राम, विनियन डायग्राम में क्या है, सिंपली आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, ये मेरा पूरा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे इसके अंदर दो सेट है, ए दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अब ये वाला जो पार्ट है जो खाली ये ए नॉट बी का पार्ट है, इसको 10 से रिप्रेजेंट किया है, 01 से रिप्रेजेंट किया है, जो बीच में पार्ट है दोनों का ए बी का है ना, इसको मैंने 11 से रिप्रेजेंट कर लिया है, और जो उसके इन दोनों सबसेट के अलावा का पार्ट है तो दैट इज 00 से कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इनको दोनों पार्ट को जोड़ दूं तो दिस इज कॉल्ड यूनियन, ए यूनियन बी है ना, और ये पूरा सेट है। कहने का मतलब जैसे मान लो ये आपको विनियन डायग्राम दे दिया, पूछा गया कि इसमें इस फंक्शन का इसका फंक्शन क्या है, इसका गुणन फंक्शन निकाल के दिखाइए, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे दोस्त, देखो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ए का पार्ट है, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये है ए बी बार है ना, जीरो मतलब इसमें ए ही है, बी बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ठीक उसी तरह ये वाला पकड़ना है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या है, ए बिल्कुल भी नहीं है, बी है, लेकिन ये बीच में दोनों है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो बीच वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये बी पार्ट है। तो अब उसके बाद तुम इसे सॉल्व करोगे, इसको कॉमन लोगे तो इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, इसमें से बी कॉमन आ जाएगा, है ना, इसमें इस वाले में से बी कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह इसका फंक्शन आ जाएगा ए प्लस बी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है दोस्त, इसमें देख लीजिएगा बीच में दो के बीच में जो कॉमन एरिया वो शेडेड किया हुआ है मैंने, आपको इसका फंक्शन बताना है, फंक्शन बता के उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना है, समझ रहे हो ना आप, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसी के साथ मेरा आज का फंक्शन, मेरा बूलियन अलजेब्रा चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्त। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, थोड़ा मैंने स्पीड में किया है, लेकिन आपके पास रिकॉर्डर है, आप दो बार तीन बार चार बार आठ बार दस बार जितनी बार इस वीडियो को देखना चाहे देख सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैंने कंसेप्ट आपको सारे के सारे इसमें बता दिए हैं, है ना फ्रेंड्स। होप आप लोगों को बहुत फायदा होगा इसमें, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई कमेंट है तो बताइएगा, और मुझे पता है, मुझे लगता है कि शायद अब आपको चमक रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वॉइस क्लियरिटी की प्रॉब्लम आएगी, उसे भी मैं ठीक कर लूंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।